खबर जयपुर से, जहां सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे पीएचईटी की समीक्षा बैठक। जी आपको बता दें कि सीएमओ में दोपहर 3 बजे से ये बैठक होगी। जन घोषणा पत्र की कार्य प्रगति की यहां पर समीक्षा की जाएगी और जल संकट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जलदाय विभाग ने 6 बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है और फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य रहेगा। आपको बता दें कि मंत्री बीडी कल्ला समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम को पीसीसी की रोजा इफ्तार में भी शामिल होंगे और खेजड़ी की बेटी कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत पीएचईडी की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और ये बैठक सीएमओ में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। जन घोषणा पत्र की कार्य प्रगति की इस बैठक में आज 3 बजे समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जल संकट जो एक बेहद बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा और जलदाय विभाग ने 6 मुख्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की है, उस पर मंत्रणा की जाएगी। आपको बता रहे मंत्री बीडी कल्ला समेत तमाम अधिकारी भी इस बैठक में आज 3 बजे मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज पीएचईडी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, आपको खबर बता रहे हैं, और इसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं कितने बजे से बैठक होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल रहेगा? देखिए लविना, जिस तरह प्रदेश गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में जल संकट मंडरा रहा है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या देखने को मिल रही है। पीने के पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से गंभीर है और लगातार जलदाय विभाग के अधिकारियों से प्रेजेंटेशन भी लेते रहे और समीक्षा बैठक पहले भी की। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीएमओ में बैठक होगी और जलदाय विभाग के अधिकारियों से इसका फीडबैक लिया जाएगा किस तरह जहां 9 जिलों में 5,000 से अधिक गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं, उनमें पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है, वो सारा प्रेजेंटेशन जलदाय विभाग के अधिकारी इस बैठक में मुख्यमंत्री को देंगे। और जो जलदाय विभाग के मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही जो जलदाय विभाग की ओर से लंबित परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की भी आज इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। जी दिनेश, ये बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी घोषणा करें जिससे आम जनता को राहत मिल सके, तो इस बैठक के बाद पूरी पूरी संभावना लगा सकते हैं कि आम जनता को कुछ जो जल संकट है और ऐसी परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी? देखिए लविना, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को परेशानी हो रही है पीने के पानी की, जहाँ कहीं समस्या है उसको लेकर पहले भी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं और आज भी जहाँ पीने के पानी की समस्या देखने को मिल रही है, जहाँ से कंप्लेंट्स मिल रही है सरकार को, वहां पर मुख्यमंत्री विशेष पीने के पानी के विशेष इंतजाम के निर्देश भी दे सकते हैं। और साथ ही जो लंबित परियोजनाएं हैं जिनका काम अभी रुका पड़ा है, उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम अशोक गहलोत आज पीएचईडी की समीक्षा बैठक लेंगे और आज ये बैठक 3 बजे से शुरू हो जाएगी और इसमें तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एक जल संकट जो कि बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है इन दिनों, इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रणा करेंगे।